का स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पार्टीखड के हाईवे पर लग्जरी बस दुर्घटना में चालक की हुई मौत। बाबरखड़क गांव में आयोजित ग्राम सभा बनी थी तूफानी। चार दिन पहले ही बना बलिठा दानीवाड़ का मार्ग हुआ खस्ता। बस्तर में महिला सुरक्षा के लिए निकाली गई थी रैली। अब समाचार विस्तार से। पार्टीखड़ की हाईवे पर लग्जरी बस की टैंकर ट्रक से हुई दुर्घटना में लग्जरी बस के चालक की घटनास्थल पे ही दब जाने से हुई थी मौत। पार्टी के पास खड़की हाईवे स्वागत होटल के पास शनिवार के रोज सुबह वापी से सूरत की ओर जाते ट्रैक पर एक लग्जरी बस के चालक ने तेज गति से बस को चलाकर स्टीयरिंग पर से संतुलन गुमाते सामने के ट्रैक पर कंडला से दमन की ओर केमिकल भरकर आ रही टैंकर के साथ टक्कर हुई थी। इस दुर्घटना में लग्जरी बस के चालक की दब जाने से घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी। दुर्घटना में लग्जरी बस में बैठे हुए सभी यात्रियों का बचाव हुआ था। घटनास्थल पर लग्जरी बस के चालक को आंख लग जाने की वजह से बस डिवाइडर फान कर साथ ही लग्जरी बस का पहिया भी फट गया था और सामने के ट्रैक पर कंडला से दमन केमिकल भरकर जा रही टैंकर नंबर GJ12AT9338 के आगे के हिस्से के साथ बस टकराई थी। बस नंबर GG01FT5881 जोरदार टक्कर होते ही चालक प्रदीप भाई हरजी भाई पटेल निवासी राजस्थान की दब जाने से मौत हुई थी। घटना के बारे में पार्टी पुलिस को जानकारी मिलते ही पार्टी पुलिस के साथ 108 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी और ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया था। पटेल ट्रैवलर्स की लग्जरी बस के मृतक चालक प्रदीप भाई हरजी भाई पटेल को पार्टी सरकारी अस्पताल में उनकी बॉडी को PM के लिए भेजा गया था। घटना के बारे में मृतक लग्जरी बस के चालक के खिलाफ टैंकर चालक सुदर्शन यादव निवासी बिहार ने पार्टी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने दुर्घटना का गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। कपराड़ा तहसील के बाबरखड़क गांव में आयोजित ग्राम सभा बनी थी तूफानी। कपराड़ा तहसील के बाबरखड़क गांव में ग्राम पंचायत हॉल में गांव के लगते विविध प्रश्नों और समस्या के निकाल के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकारी हरित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में गांव के लोगों ने जाहिर हित के प्रश्नों की चर्चा की थी। जो कि इस विविध प्रश्नों में ग्राम पंचायत संचालित जमीन में जहां पहले बरसों से कब्रिस्तान है, उस जमीन पर कई लकड़े जैसे कि खैर और अन्य इमारती लकड़े का पेड़ हुआ करते थे, पर इस पेड़ को काटने के लिए कलेक्टर की परमिशन लेनी होती है, जिसके बारे में पहले भी गांव सभा में ठहराव पसार किया गया था। अब कलेक्टर की परमिशन ली गई है कि नहीं, उसके बारे में ग्राम पंचायत भी जाने। पर इस आयोजित ग्राम सभा में जहां परमिशन के बारे में पूछताछ की गई, तो तलाटी क्रम मंत्री के पास, गांव के सरपंच के पास इस समस्या के इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं मिला था। पर प्रत्युत्तर नहीं देने की वजह से पूर्व सरपंच और अन्य सभ्यों ने ठहराव करे बगैर ही और कोई भी परमिशन के बिना ग्राम पंचायत हस्तक की जमीन में से इस पेड़ों को काटा गया। उसके बाबत में ग्राम सभा को सिर पर लिया गया था और स्थानिकों ने काफी आक्रोश के साथ इस समग्र घटना को तलाटी को बताया था। पर इस समग्र घटना के बारे में तलाटी कम मंत्री श्री ने कोई भी ठहराव नहीं किया था और कोई भी प्रत्युत्तर भी नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इस समग्र मुद्दे पर गांव के सभ्यों के साथ पूर्व सरपंच सहित कई अग्रणियों कलेक्टर को लिखित में पेशकश कर दोषियों के सामने कानूनी कार्यवाही हो ऐसी मांग करने के चक्र गतिमान बने हैं। इस आयोजित ग्राम सभा में बड़ी संख्या में गांव के अग्रणी, गांव के नागरिक, सरपंच, ग्राम पंचायत के सभ्य, विपक्ष के सभ्य सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे थे। बाबरखड़क ग्राम सभा थी एमा कब्रस्तान ना झाड़वा कपायेला एनो अमे ठराव करेलो, पण ए लोको ए परवानगी लीधी के नहीं लीधी अमने कई खबर नहीं मळे। એનો અમારા ગામ સભામાં ખૂબ મોટો હોબાળો થયો। મતદાર ભાઈઓ બધા હાજર હતા અને કમિટી સભ્ય પણ હાજર હતા। અમે આ કબ્રસ્તાન બારામાં વર્ષોથી અમે લડતા આવેલા
અને એ કબ્રસ્તાનમાં જે ઝાડવા હતા, ખેર હતા, બાવળ હતી અને પંચકુટી હતી, આ લગભગ છે ને તો અમે વર્ષોથી આ જમીન સ્મશાન તરીકે ઓળખતા હતા. અને અત્યારે છે ને એ લોકોએ કબ્રસ્તાનમાં આ લોકોએ છે ને એક 11 એકર જમીન લેવા માટે એ લોકોએ વર્લ્ડકોપમાં ગાંધીનગરથી ઓર્ડર લાવીને એમાં છે ને એ લોકોએ છે તો મુસ્લિમ સમાજના ટ્રસ્ટ એ અંદર નામ દાખલ કરેલા છે. આપ સાહેબ, આ ખેરના લાકડા અમે કાયદેસર અમે કાર્યવાહી કરી અને પંચાયતનો ઠરાવ કર્યો કે આ પૈસા જે કંઈ એના ઉપજ થાય એ પંચાયતમાં જમા કરવા, કારણ કે કલેક્ટરને હવાલે જમીન છે અને પંચાયત વહીવટ કરે છે, એટલે આ પૈસા જે કંઈ આવે એ પૈસા છે ને પંચાયતમાં જમા કરવાના, અને જમા કરીને પછી તમારે છે જે ટ્રસ્ટને કંઈક વિકાસના કામો કરવાના હોય તે પૈસા પંચાયતનો ઠરાવ કરીને આ ઉપાડવાનો હોય. અને પછી છે ને આ છે ને પૈસાની લેવડ દેવડ એવી હતી, અમે પંચાયતમાં ઠરાવ કરેલો કે જે પૈસા આવે તેમાંથી 50% આદિવાસીને આપવાનો અને 50% મુસ્લિમ સમાજને આપવાના અમે નક્કી કરેલું. અને તદઉપરાંત આ ગામ ગૌચરણ જમીનમાં જે બાવળિયા હતા એ બાવળિયા લગભગ 50-60 ઝાડો છે ને કાપેલા, અને અમે પંચાયતમાં ઠરાવ પણ અમે કરેલો, હું માજી સરપંચ તરીકે છે ને વર્ષોથી આ હાચવી રહેલા. બરીઠા દાંડીવાડ કે માર્ગ મે ભ્રષ્ટાચાર કી આ રહી હૈ યોગ્ય નિકાલ હો વો બના જરૂરી. વાપી તહેસીલ કે બરીઠા દાંડીવાડ કા માર્ગ બનકર તૈયાર હોને કે સિર્ફ 3-4 દિન હી હુએ હૈ, ઉસીમાં માર્ગ કી ખસ્તા હાલત કો લેકે ભ્રષ્ટાચાર સામને આયા હૈ. 3-4 દિનો મે હી વાહનો સે પસાર હોને કી વજહ સે રાસ્તા ખસ્તા હો ગયા હૈ. રાહદારીઓ કે સાથ વાહન ચાલકો કો કાફી દિક્કતો કા સામના કરના પડ રહા હૈ. સરયામ આમ જનતા કે પૈસો કો લેકર પ્રજા કોઈ બેવકૂફ બના રહે હૈ, તો ઇસ સમસ્યા પર સત્ય બહાર લાયા જાય ઓર જરૂરી જાંચ હો વો જરૂરી બન રહા હૈ, એસી લુક આવાઝ જોરો સે ઉઠ રહી હૈ. વલસાડ મેં મહિલા સુરક્ષા કે લીએ અખિલ ભારતીય પ્રગતિશીલ મહિલા એસોસિએશન પક્ષ દ્વારા એક રેલી નિકાલી ગઈ થી, જિસમે રાજસ્થાન કી રાજ્ય સચિવ પ્રોફેસર સુધા ચૌધરી ઓર ઉનકે સાથી સભ્ય પ્રભાત કુમાર ને રેલી કે દૌરાન હૈદરાબાદ કે બહુચર્ચિત ગેંગરેપ મેં 4 આરોપીઓ કે હૈદરાબાદ પોલીસ ને ગલત તરીકે સે એન્કાઉન્ટર ઉનકો માર ગિરાયા હોને કા નિવેદન દિયા થા ઓર હૈદરાબાદ પોલીસ કી કામગીરી પર પ્રશ્ન ઉઠાયે થે, ઉનકે વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરને કી માંગ ભી કી ગઈ થી. ઉસી કે સાથ મહિલા સુરક્ષા કે લીએ નિકલી હુઈ ઇસ રેલી મેં કેન્દ્ર કે ભાજપ સરકાર કા વિરોધ કરને કે સાથ દેશ મેં મહિલાઓ કે લીએ બેટી બચાઓ મહિલા સુરક્ષા સહિત કી કઈ યોજનાઓ કો એસે હી બન રહી હોને કા બતાયા થા, જિસકો લેકે દેશ મેં દિન બ દિન ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और देश में कानून और व्यवस्था बनी रहे साथ ही अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो रही है. शिक्षा, रोजगारी, सुरक्षा जैसे प्रश्नों हाल में गंभीर बन चुके हैं. इस सभी मुद्दों को लेकर वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में कपराना तहसील की महिलाएं एवं पुरुष एकत्रित हुए थे और रैली निकाली गई थी. नो, इनकाउंटर गलत है. इनकाउंटर करके आप किसी को मार देंगे कैसे? आप उसको कोर्ट के कचहरी कटघरे में खड़ा कीजिए, उसको जो कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए उस प्रोसेस से गुजरिए. 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर उसको सज़ा सुनाइए. उसको कानून यही बोलता है और उसको लागू करने के बजाय जनता के चीप सेंटिमेंट का इस्तेमाल करने के लिए सरकार इस काम को करवा रही है. तो ये चारों ने जो हैवानियत पर काम किया है, हाँ, तो उसके बारे में आप क्या? हम कोई हैवानियत का काम करेंगे तो आप मुझे क्या गोली मार देंगे क्या? आपको इस अधिकार किसने दिया है? कोई ऐसा अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है. उसके लिए अधिकार यही है कि आप मुझे पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, कोर्ट में केस चलाइए, कानून के तहत जो भी सजा होगी वो हमको दीजिए. इससे बलात्कार खत्म नहीं होता है, बलात्कारियों की मानसिकता भी खत्म नहीं होती है, बल्कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए इस तरह के सस्ते तरीकों का इस्तेमाल करती है. आज वलसाड़ में वलसाड़ जिला के महिलाओं का एक सम्मेलन है और इसका एपबा का जो राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है उसकी तैयारी की एक बैठक भी है और पूरे ज़िले के साथ ही साथ महाराष्ट्र के पालघर ज़िले से भी कुछ महिलाएं आई हैं, उन लोगों का एक विराट रैली है यहाँ इस ज़िला में. इस रैली के जरिए ये महिलाएं ये संदेश देना चाहती हैं
लोगों के बीच कि पितृसत्तात्मक सत्ता का जो वर्चस्व रहा है इसको तोड़ने के लिए महिलाएं संगठित हो रही हैं, लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। अभी आपने कल देखा होगा हैदराबाद में किस तरह से बलात्कारियों को ख़त्म करने के नाम पर चार लोगों की हत्या कर दी गई पुलिस के जरिए, बिना कोई जांच पड़ताल के, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया में गुजरे हुए। लोग तो कुछ खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बलात्कारियों का यही होना चाहिए, लेकिन कानून को अपना काम वहां करना चाहिए और कानून को काम करने भी देना चाहिए। समाचारों में समय हो चला है, छोटी सी ब्रेक का। Stationery and Xerox welcomes you to a new stationery and gift shop in Dilipnagar. We have all types of branded schools and office stationery such as Navneet, Domes, Camlin, Classmate, branded office files, box files, diaries, compass pouches, water bottles, tiffin school bags, plastic folders, USB sticks, and all Xerox copies, paper, color print, lamination, and Xerox. And also we have all types of gift articles, gift kits, various statues, showpieces, fashionable handbags, purses, crockery, perfume, wristwatches, wall clocks, photo frames, sceneries, decorative night lamps, room sprays, keychains, soft toys and games items like laser lights, batteries, torch, project items like minor motors and also glue gun. All types of birthday items, colorful balloon, candles, caps, etc. all are available at our shop. Please to visit to our shop name Sai Krupa Stationery and Xerox and Gift Shop in Dilipnagar. Coastal Holiday View અનંતપણ સુધી ઐશ્વર્યનો અનુભવ એટલે કોસ્ટલ હોલિડે વ્યૂ. આધુનિક પેઢીને રજવાડી જીવનશૈલી સાચી અનુભૂતિ કરાવવા અને એ સુખદ સમયનો લહાવો આપવાના ઉદ્દેશ્ય થકી કોસ્ટલ હોલિડે વ્યૂનો ખ્યાલ આજે સુંદર વાસ્તવિકતામાં પરિણમ્યો છે. તો પહોંચો કોસ્ટલ હોલિડે વ્યૂ, જ્યાંની કલાત્મક અને ભવ્યતા આપને સાત પાડીને કહી રહી છે કે આવો રાજવી જીવનશૈલીની આગમી પરંપરાનો અનુભવ કરો. ટેરેસ એમિનિટીઝ, ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા, ઓપન થિયેટર, ગાર્ડન સિટિંગ, ગઝેબો, ટેરેસ સિટિંગ, વોકવે, વેલનેસ સ્પા, એડલ્ટ સ્વિમિંગ પૂલ,
रेन शावर, चेंजिंग रूम, डेक, चिल्ड्रन स्विमिंग पूल, बे बिल्डिंग जोड़तू ब्रिज। अमारो सरनामु छे कलसर 4 रस्ता 2 माइल रोड उद्वाड़ा दमण। अमारो कॉन्टेक्ट नंबर छे 9879791000 9925246464। प्रिय बाद आपका स्वागत है। हैदराबाद की बहुचर्चित रेप और हत्याकांड के चारों आरोपियों को पुलिस द्वारा मार गिराने पर दादरा नगर हवेली की जनता में खुशी की लहर है। हैदराबाद में हुए रेप और हत्याकांड का इंसाफ पूरा हो गया है। देश को हिलाकर रख देने वाले हैदराबाद के दिशा रेप और हत्याकांड के चारों आरोपियों को कल सुबह करीब 3:30 बजे पुलिस उन सभी आरोपियों को घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करने के लिए लेकर गई थी। उस वक्त चारों आरोपी पुलिस की हिरासत से भागने के दौरान हैदराबाद पुलिस ने मार गिराया था। उल्लेखनीय है कि 28 नवंबर को 22 वर्षीय महिला डॉक्टर दिशा का अर्धजला शव नेशनल हाईवे नंबर 44 के निकट शाद नगर इलाके में मिला था। उसके साथ 27 नवंबर की रात में रेप करने के बाद शव को जलाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 4 लोग मोहम्मद आरिफ पाशा, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन और जिन के शुबुलू को गिरफ्तार किया गया था। इन चारों आरोपियों को हैदराबाद की पुलिस द्वारा मार गिराने के बाद संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा की समस्त जनता में खुशी का माहौल देखा गया। प्रदेश की जनता का कहना है कि ऐसे हैवानों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए, जिसके चलते देश में ऐसे आरोपियों पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में सरकार कामयाब हो सकती है। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जी के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, उसके लिए पूरा देश शर्मसार हो चुका था। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हैदराबाद पुलिस की तरफ से जिस वक्त उनको सुबह 3:30 बजे वही जगह पर सीन रिटेक करने के लिए लेके जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उनके पास से हथियार छीनने की कोशिश की और उनसे हाथापाई की। लेकिन उस हाथापाई में चारों अपराधियों को एनकाउंटर कर मार दिया गया। इस बात से पूरे समग्र देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी खुशी का माहौल है, क्योंकि इस तरह की जो घटना करता है उसके लिए सजा, यही सजा उचित है ऐसा देश का मानना है। क्योंकि न्याय जिस तरह हमारा देश के, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरी तरह भरोसा है, लेकिन न्याय के देरी से कुछ लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। तो जो हत्याकांड के अंदर जो सजा दी गई, उनका एनकाउंटर किया गया, वो बिल्कुल सही तरह से किया गया था और इससे पूरा देश और समग्र प्रदेश में एक खुशी का माहौल है। और पूरा हम इस बात के लिए ये कहना चाहते हैं कि जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, इससे कुछ हद तक जो अपराधी है उनका हौसला टूटेगा और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऐसी घटना दोबारा से ना हो, उसके लिए वो एक बार जरूर सोचे। धर्मपुर यूथ कांग्रेस बिन सचिवालय की परीक्षा में गैर रीति के चलते उनके विरोध में धर्मपुर यूथ कांग्रेस ने दिया सरकार। बिन सचिवालय की परीक्षा में हुई गैर रीति के विरोध में यूथ कांग्रेस और NSUI द्वारा गुजरात की कॉलेजों को बंद करवाने का कार्यक्रम रखा गया था। उसी के अंतर्गत धर्मपुर तहसील यूथ कांग्रेस प्रमुख कल्पेश भाई पटेल, वलसाड जिला कांग्रेस लोक सरकार इंचार्ज और गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के महामंत्री विशलभाई दसोंदी, धर्मपुर तहसील कांग्रेस महामंत्री केतन भाई मेराय और यूथ कांग्रेस के कार्यकर हेमंत भाई पटेल, विपुल भाई पटेल द्वारा धर्मपुर वनराज कॉलेज बंद कराने के लिए वनराज कॉलेज के प्रिंसिपल साहेब को पेशकश की गई थी। प्रिंसिपल साहेब ने बंद के पीछे का हेतु विद्यार्थी के समक्ष पेश करने के लिए बताया था और यूथ कांग्रेस NSUI की मांग को स्वीकार कर कॉलेज बंद रखने के लिए सरकार दिया था। परंतु एक प्रतीकात्मक विरोध दर्शाने अपने जो सीस्टम में खामी है सीस्टम ने खामी ने सुधारी सकिए मोरखल गांव राधा पंचायत के निवासियों के लिए राजस्व सेवाओं को प्रदान करने के लिए
માન્ય સમાહર્તા દાદરાનગર હવેલી કે દિશા નિર્દેશ અનુસાર મોરખલ ગાંવ રાધા પંચાયત કે નિવાસીઓ કે લિયે રાજસ્વ સેવાઓ કો પ્રદાન કરને કે લિયે નિવાસી ઉપ સમાહર્તા શિલવાસા કી ઉપસ્થિતિ મેં શાસકીય માધ્યમિક શાલા ગાંવ મોરખલ રાંધા પંચાયત મેં રાજસ્વ શિબિર કા આયોજન કિયા ગયા થા જિસમેં મામલતદાર ઓર સર્વ એવં બંદોબસ્ત વિભાગ કે સભી રાજસ્વ કર્મચારી ઉપસ્થિત રહે થે. અંદાજિત 250 નિવાસીઓને રાજસ્વ સિવાય જૈસે આય પ્રમાણપત્ર ઉત્તરાધિકારી કી કાર્યવાહી ઓર ઉનકી ભૂમિ સે સંબંધિત અન્ય દિશાનિર્દેશ જૈસી રાજસ્વ સેવાઓ કા લાભ ઉઠાને કે લિયે ઉપસ્થિત રહે થે. ઇસકે અલાવા નિવાસીઓને નિવાસી ઉપ સમાહર્તા સિલવાસા કો અપની સડક પાણી બિજલી એવં સ્કોલરશિપ કી સમસ્યાએ બતાઈ. જે સંદર્ભ મેં નિવાસી ઉપ સમાહર્તા સિલવાસાને નિવાસીઓ કો ઉનકી સમસ્યાઓ કો સંબંધિત વિભાગો તક પહોંચાને કા આશ્વાસન દિયા. પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના કે અંતર્ગત ગેસ કનેક્શન એવં રાશન કાર્ડ કે આવેદન પત્ર કા વિતરણ ભી કિયા ગયા થા. મામલતદાર સાહેબ તરફથી મોરખલ ગામે શિબિર રાખવામાં આવી, જેમાં જાતિ વતનીના દાખલા, આવકના દાખલા તેમજ જાતિ વતનીના દાખલા, વારસાઈ અને આધાર કાર્ડ, વારસાઈ એ ગામ મોરખલ ગામે કરવામાં આવી, જેમાં સવારે 9 વાગ્યાથી ચાલુ કર્યું અને 1 વાગ્યા સુધી અમને હાથોહાથ દાખલા આપવામાં આવ્યા. મોરખલ ગામ મેં સમાહર્તા કે નિર્દેશ અનુસાર જો કેમ્પ લગાયા ગયા દાદરાનગર હવેલી મેં, એ પહેલી શરૂઆત હૈ મોરખલ ગામ સે, ઓર યહાં પર સભી કો એક અચ્છા માર્ગદર્શન મિલા. માન્ય સમાહર્તા કે નિર્દેશ અનુસાર RDC ઓર મામલતદાર સાહેબને જો કેમ્પ લગાયો, ઉસમેં બહુત સારે લોકો કા જો આજ તક વારસાઈ નહીં હુઆ થા, ઉસ વો વારસાઈ કે લિયે ભી બહુત સારે લોક આયે થે. ઇસમે 200-250 લોકો ને લાભ લિયા હૈ, જાતિ વતની કા દાખલા, આવક કા દાખલા ઓર અન્ય જો વર્ગો કે લોક થે સભી ને ઇસકા લાભ લિયા હૈ. યે હમારે લિયે સૌભાગ્ય કી બાત હૈ કે હમારે રાંધા પંચાયત મેં મોરખલ ગામ મેં કિયા ઓર હમ ભી રાંધા પંચાયત કી ઓર સે ઉનકા હાર્દિક સ્વાગત કરતે હૈ. વાપી મેં રહેતે પપ્પુ દાંતી ગુમ હોતે ઉનકે પિતા બચ્ચુ દાંતી ને પુલિસ થાને મેં શિકાયત દર્જ કરાઈ. रक्षा बना दी, साथ में सामने निकला था क्या कमरे से मम्मी को बुलाने बाथरूम जाना होता, फिर मैंने आपने कहीं जी धोती पहना हुआ है, जूता पहना है, शरीर में बोला मैं बाथरूम जा रहा हूँ, ये जो निकला मैं अंदर बना कर पता नहीं चला. जी हाँ, तो उसके बाद था हम या सही था मुझे खजाना पर फोन कर अच्छी किया जा रूप लिया दिया गया है ब्रांड की कर अच्छी किया. समाचार के अंत में आई लातेहार की सुर्खियों पर પારડી ખડકી હાઈવે પર લક્ઝરી બસ દુર્ઘટના મેં ચાલક કી હુઈ મોત. બાબરખડક ગામ મેં આયોજિત ગ્રામ સભા બની થી તુફાની. ચાર દિન પહેલે હી બના બલિઠા દાંડીવાડ કા માર્ગ હુઆ ખસ્તા. વલસાડ મેં મહિલા સુરક્ષા કે લિયે નિકાલી ગઈ થી રેલી. તો યે થે અબ તક કે દેવ ન્યૂઝ કે સમાચાર. નયે સમાચાર ની ઘટનાઓ કે સાથ ફિર મિલેંગે. નમસ્કાર.